तो फ्रेंड एक इलेक्ट्रिक टेस्टर है, इसके मदद से हम घर के फेज लाइन को चेक करते हैं। लेकिन फ्रेंड इसके मदद से हम न्यूट्रल को चेक नहीं कर पाते हैं। अगर हम न्यूट्रल में डाल के कुछ चेक करते हैं, चेक नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँ कैसे आप इसी टेस्टर की मदद से घर का न्यूट्रल, ऑल्ट और फेज तीनों चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत खास होने वाला है जिसके पास मल्टीमीटर नहीं है और चेक करना चाहते हैं कि हमारे बोर्ड में सब न्यूट्रल, लाइव और ऑल्ट आ रहा है कि नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर टेस्टर की मदद से न्यूट्रल और ऑल्टिंग को चेक करने के लिए आपको इस तरह का एक वायर का टुकड़ा लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको फेज लाइन में डाल देना है। देखिए यहाँ फेज आ रहा है, आप देख सकते हैं। अब आपको इसको हाथ यहाँ डालना है, उसके बाद आपको दूसरे वायर को न्यूट्रल में डालना है। और फ्रेंड आप इस तरह काम करते हैं, थोड़ा सावधानी से कीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ करंट लग सकता है। तो मैंने यहाँ न्यूट्रल डाल दिया, अब आपको यहाँ सटाना है इसके बॉडी में। तो आप देख सकते हैं यहाँ लाइट जल रहा है। तो फ्रेंड अगर आपका यहाँ लाइट जल या हाथ लगाने बिना न्यूट्रल से सटाने पे, तो आपका जो न्यूट्रल है वो आ रहा है। जैसे फ्रेंड मैं यहाँ से न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट करता हूँ, तो फिर मैंने यहाँ बोर्ड से न्यूट्रल को डिस्कनेक्ट कर दिया। मैं आपको लाइव चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ लाइव आ रहा है। अब अगर मैं इसमें ला के इसको चेक करता हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स मैं चेक करता हूँ, तो देखिए यहाँ कोई लाइन नहीं जल रहा है, मतलब हमारा न्यूट्रल ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही फ्रेंड आप यहाँ अर्थिंग भी चेक कर सकते हैं। आपको अर्थ में डालना है और लाइव पे लग के इसको चेक करना है। अगर जलता है तो आपका अर्थिंग यहाँ आ रहा है, नहीं जलता है तो आपका अर्थिंग नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड इस तरह से आप इस तरह के टेस्टर से न्यूट्रल, लाइव और अर्थ तीनों को चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये छोटी सी ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।